चिमनी की कंडीशन देख सकते हैं। देखिए मैं आपको सामने से भी दिखाती हूँ कितनी गंदी हो रखी है और एकदम ऐसे चिपचिपी हो चुकी है। तो इसको निकालना आप जानते हैं कितना मुश्किल है इसको क्लीन करना, लेकिन ये बहुत आसान भी है। सो मैं आज आपको आसान तरीका बताऊंगी कि जिससे आप चिमनी एकदम बगैर मेहनत के क्लीन कर दोगे। सो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे मिक्सचर। तो मैं यूज करती हूँ चिमनी क्लीन करने के लिए, ये है एमवे का जूम कॉन्सेंट्रेट। तो इसके साथ ये एक बोतल आता है। तो क्या करना है हमको, इसमें दिया है मेजरमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसमें लिक्विड डाल दूंगी इस मेजरमेंट तक मैं। तो देखिए इस मेजरमेंट तक मैंने डाल दिया इसमें लिक्विड। अब मैं इसमें बचा हुआ पानी ऐड कर लूंगी। देखिए इस मेजरमेंट तक मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये हमारा लिक्विड रेडी हो चुका है। सो इसके साथ ऐसा वाला ढक्कन आता है, लेकिन मेरा ये खराब हो चुका है इसका स्प्रे करने वाला, तो मैंने जुगाड़ किया है, इस पे मैंने पॉलीन का ढक्कन लगा दिया है। सो सबसे पहले कर दूंगी स्विच ऑफ, ये निकाल दूंगी क्योंकि क्लीन कर रहे हैं हम। सब तो ये जो लिक्विड हमने बनाया था, हमको क्या करना है, सिर्फ इसको अच्छे से पूरे गंदगी पे और हर तरफ इसको सिर्फ स्प्रे करना है। ये क्या देख सकते हैं, पूरा निकलने लग गया है। और नीचे में मैं पहले पेपर रख देती हूँ, नहीं तो ये पूरा जो गंदा सा ऑयल है ये पूरा मेरे ओटे पे आ जाएगा। सो इसमें आएगा तो क्लीन करना आसान रहेगा। देखिए रुकी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा स्प्रे करके, कि देखिए तुरंत ये काम करना शुरू कर देता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कैसा था, और देखिए अभी तो घिसा भी नहीं है और ना ही इसको पोंछा, ये पूरा डर्ट ये निकालना शुरू कर दिया, पूरा ऑयल है। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो अब मैं इसको ऊपर भी डाल दूंगी, स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा ही चिपचिपा हो जाता है। सो देखिए मैं अभी सिर्फ स्पंज लूंगी, ये सूखा स्पंज है, ये मैंने गंदा इसीलिए रखा है, और बस मैं इसको पोंछूंगी। देखिए मेहनत क्या लग रही है मुझे, सिर्फ इसको पोंछना है। पूरा ऑयल ये देखिए ना घिसना है, ये देखिए आपके सामने है, ना तो घिसना है ना ही जोर लगाना है, मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं। बगैर मेहनत के ये देखिए, ये इसका मैजिक है। ये देखिए क्या थी और अभी देखिए क्या हो गई, देखा और कितना देर लगा, रखना भी नहीं है इसको, सिर्फ मैंने रखा है इसको 2 से 3 मिनट स्प्रे करके, ताकि अच्छे से पूरा सोक कर ले और वो नीचे आ जाए पूरा इसका ऑयल। और अब मैंने इसको पूरा निचोड़ लिया है, और अब फिर से मैं इसको एक बार क्लीन कर लूंगी। सो ये देखिए ऊपर का भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना स्टिकी स्टिकी था ये। ये देखिए ये भी पूरा सोक कर लिया, और ये एक्चुअली ये ग्लास है, ब्लैक ग्लास। तो अभी देखिए इसका मैजिक, ये देखिए और ये थोड़ा मेरा चिमनी ऐसा वाला है तो यहाँ छेद छेद है, ये भी देखिए ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत जो बच्चे है इसके लिए, इसमें मैंने लगाया वीम साबुन, और इससे मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का ऐसे घिस लूंगी, ताकि अंदर अंदर जो चला गया है डर्ट वो भी बाहर आ जाए और वो भी क्लीन हो जाए। वैसे तो इससे पूरा निकल जाता है, वो पूरा बाहर आ जाता है, आप देख ही सकते हैं क्लीन जो दिख रहा है, लेकिन फिर भी
एक बार घिस के पूरा क्लीन कर लूंगी। ये देखिए किनारे तक पूरी क्लीन हो चुकी है। अब वो क्लीन करने के बाद एक बार मैं स्पंज से ही पोंछ लूंगी ताकि वो जो थोड़ा भी डर्ट निकला है वो भी क्लीन हो जाए। उसे हो गया क्लीन। अब एक बार मैं गीले कपड़ा करके लास्ट में मैं इस गीले कपड़े से इसको चमका दूंगी चकाचक। बस ये देखिए चकाचौंध हो गई है मेरी चिमनी एकदम। देती हूँ जो ग्लास, ये देखिए कैसा था और कैसा हो गया ये ग्लास। अब ये एकदम चकाचक चमकदार ग्लास हो गया है। सो ये देखिए इसकी चमक देखिए और इसमें मैं आपको हाथ लगा के बताती हूँ। ये देखिए इस पे कुछ भी डर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ, एकदम नया सा हो गया है। ये देखिए इसके बटन तक देखिए, कहीं आपको अगर काला दिख रहा है कुछ दिख रहा है तो बताइए, एकदम क्लीन। मेरी चिमनी एक्चुअली ऐसे ही होती है, मैं क्लीन ही रखती हूँ। मैं इसको महीने में एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और दिखाना था कि इतने गंदगी से भी कितने जल्दी और ऐसा क्लीन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।